अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो टुडे आई एम गोइंग टू मेक चिकन अंगारा। आई एम गोइंग टू शेयर माय रेसिपी। होप यू लाइक माय रेसिपी एंड प्लीज़ डू ट्राई इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चिकन अंगारा बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ ये मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पे 3 टीस्पून ऑफ धनिया लिया है, 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर, 5 से 6 लाल मिर्च, गरम मसाला में 6 से 7 लौंग, 6 से 7 इलायची, 2 इंच के करीब सिनेमम दालचीनी और 3 से 4 बड़ी इलायची ली है मैंने यहाँ पर। अब इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे मेरा तवा गरम हो चुका है, इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट करके फिर इसका हम एक पाउडर बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये मसाले को मैंने पीस लिया है, ये मेरा पाउडर बिल्कुल रेडी है। ये आप एक बार अगर प्रिपेयर कर लें, इसे आप स्टोर भी कर सकते हैं। और ये क्या खुशबू उठ रही है माशाल्लाह, ये हमारा पाउडर बिल्कुल रेडी है मसाला। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। ये यहाँ पर मैंने 1.5 kg चिकन लिया है, तो इसके मैरिनेशन में हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून, 2.5 टीस्पून तक डाल सकते हैं इसमें। इसमें ये वाला जो हमने मसाला पीसा है ये डालेंगे हम 2 टीस्पून भरकर। फिर इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च 2 टीस्पून। इसमें आप सॉल्ट डाल लें अपने टेस्ट के हिसाब से। फिर इसमें हम 1/2 कप कर्ड ऐड करेंगे, दही 1/2 कप अप्रॉक्सीमेटली 3 टीस्पून। मैं ज़्यादा कर्ड नहीं डालती हूँ, ज़्यादा इसमें टोमेटो की ग्रेवी बनाऊँगी। और इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब ये मिक्स हो चुका है, अब इसे ढककर मैं फ्रिज में रख दूंगी। इसे मैरिनेट होने के लिए देना है कम से कम 1 to 2 आवर्स, आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 प्याज को फ्राई कर लिया है बरिस्ता, और यहाँ पे मैं 3 टमाटर ले रही हूँ। इसका हम पेस्ट बनाएंगे इसे पीस कर। यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिए हैं और 2 अनियन फ्राई करे हुए। अब इसे मैं पीस कर इसका पेस्ट बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये मेरा अनियन और टोमेटो पेस्ट रेडी है। अब फ्रेंड्स, उसी ऑयल में जिसमें मैंने अनियन फ्राई किए थे उसमें मैं मैरिनेटेड चिकन को डाल रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ। अब इसमें सिर्फ मैरिनेटेड चिकन डालकर हाई फ्लेम पे इसे थोड़ी देर फ्राई करें, उसके बाद फ्लेम लो कर थोड़ा सा कवर करके इसे पकाएं। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें खुद ही कितना पानी निकल छोड़ा है इसने, चिकन ने और दही ने कितना पानी छोड़ा है। इसमें हमने एक ज़रा भी पानी नहीं ऐड किया है। तो पहले हम इसका थोड़ा पानी सुखाएंगे, थोड़ा भुन जाएगा, उसके बाद हम इसमें अपना टोमेटो और अनियन पेस्ट डालकर फिर थोड़ा और इसे पकाएंगे, भूनेंगे। अब फ्रेंड्स, इसका पानी थोड़ा सूख चुका है, तो अब हम इसमें अपना टोमेटो अनियन पेस्ट डाल देंगे। ये पेस्ट डालने के बाद इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से ऑयल छोड़ चुका है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी क्रश करके डाल देंगे और जस्ट अ पिंच ऑफ गरम मसाला पाउडर, होममेड गरम मसाला पाउडर है ये मेरा। तो फ्रेंड्स, चिकन हमारा बिल्कुल भुना चुका है, रेडी है। अब इस स्टेज पे आप सीजनिंग चेक कर लें, और अगर आपको ग्रेवी चाहिए थोड़ा सर्व करने के लिए तो आप इसमें वाटर ऐड करके नमक चखें। अब अंगारा चिकन है तो अंगार तो होना ही चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कोयला गरम करने के लिए रख दिया है, जस्ट अ पीस ऑफ चारकोल कैन बी इनाफ। ओके,
तो चलिए पहले मैं थोड़ा इसका कंसिस्टेंसी थोड़ा सा मैं इसका बढ़ाऊंगी, क्योंकि आज गेस्ट आ रहे हैं तो मुझे ग्रेवी चाहिए। तो फ्रेंड्स अब ये बिल्कुल रेडी है। मैंने यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल का एक बोल बना के रखा है, आप चाहें तो स्टील का बोल भी रख सकते हैं। अब हम इसमें ये कोल डालेंगे। अब नाउ इट्स टाइम फॉर द मैजिक। इसमें हाफ टी स्पून घी या ऑयल डालेंगे थोड़ा सा, और इसे कवर कर देंगे और इसे 10-15 मिनट के लिए यूं ही कवर्ड छोड़ देंगे। नाउ फ्रेंड्स चिकन अंगारा इज रेडी। आप देख सकते हैं क्या लजीज लग रहा है देखने में। थोड़ी सी मैंने गार्निशिंग कर ली है और इसकी खुशबू, द स्मोकी फ्लेवर, माय गॉड इट्स रियली अमेजिंग। प्लीज़ डू ट्राई द रेसिपी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।